देश भर के तमाम कर्मचारी संगठन आज से 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। सिविल लाइन्स के पोस्ट ऑफिस के बाहर कर्मचारियों की हड़ताल निजीकरण बंद किए जाने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर है। संगम नगरी प्रयागराज में इस हड़ताल का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यहां ज़्यादातर बैंक, LIC और पब्लिक सेक्टर के संस्थान बंद है। हालांकि सरकारी कर्मचारी सीमित संख्या में ही हड़ताल पर हैं। इन जगहों पर ज़्यादातर कर्मचारी कामकाज ठप कर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संगठन अपने अपने दफ्तरों के बाहर इकट्ठे होकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों में प्रमुख रूप से निजीकरण बंद किए जाने, कोरोना काल में बेरोजगार हुए कर्मचारियों को भत्ता दिए जाने और चारों श्रम संस्थाएं रद्द किए जाने की है। इसके साथ ही NPS वापस लिए जाने और सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग प्रमुख है। प्रयागराज में आज ज़्यादातर बैंक और दूसरे संस्थान बंद है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले 10 मुद्दों पर वो हड़ताल किए हुए हैं, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा NPS है, जिसमें हमारे पुराने साथी जो 1/1/2004 के बाद से सरकारी सेवाओं में आए हैं, उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको नई पेंशन जो है दी जाएगी। नई पेंशन में कर्मचारी साथी 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500 रुपया पेंशन पाएंगे, जिससे उनका सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आज हड़ताल पर हैं। उसके साथ साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की तमाम सुविधाओं को कम किया है, तमाम हमारे अधिकारियों को छीनने का प्रयास कर सरकार कर रही है। सरकार पूरे विभाग को बेचने का और प्राइवेटाइजेशन करने का विचार कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि अविलंब सरकार जो है भर्ती निकाले और सभी पदों पर सीधी भर्ती निकाल के लोगों को जो है रोज़गार देने का काम करे, और सरकार जो सरकारी संस्थान को जो बेचने का काम कर रही है उसको बेचना बंद करे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,